तो क्या आप लोग का किसी अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन था किसी के साथ? वो तो देख के होता है, लेकिन होता था देख के। कितना देर आप रील स्क्रॉल करते हैं? इंस्टाग्राम ये सब वगैरह से तो हम दूर ही रहे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया से लगाव थोड़ा कम है। हम फोन यूज नहीं करते थे। फोन ही यूज नहीं करते थे? मतलब दो साल फोन यूज नहीं किए? नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा सच में। टेंथ के पहले यूज करते, टेंथ के बाद कभी नहीं फोन यूज किए। टेंथ के बाद आप फोन यूज नहीं किए? हमारे साथ बैठे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजू कुमार। राजू, राजू आईटीएन। आप कब सोचे थे कि मुझे आईटीएन बनना है? टेंथ के बाद ही सोचे। अच्छा, टेंथ के बाद ही सोचे थे कि मुझे आईटीएन बनना है। उसके बाद सर्च किया और मेरे सीनियर भैया से कॉल किए तो उन्होंने बताया कि ट्रैफिक ब्लू में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ और सही रहेगा, तो हमने आ गया। कैसा लगा यहाँ जब भैया ने बताए और आप आए, तो कैसा रहा? अच्छा रहा, दो साल का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, सारे टीचर भी बहुत सपोर्ट किए। कुछ कमी है, मतलब हम जो ड्रीम कॉलेज जाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अच्छा भाई, देखिए डॉक्टर बन गए लेकिन ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया, तो थोड़ी सी कमी दिख रही है ना। हाँ, आपका? मेरा भी वही है, जो कॉलेज खोज रहे थे वो कॉलेज तो इस ईयर नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ड्रॉप भी ले सकते हैं? यस, ड्रॉप भी ले सकते हैं। आप भी? हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। अभी हम ट्राइबेक ब्लू आए हुए हैं। आप लोग को जैसे कि पता है आईटी का भी रिजल्ट आ गया, जेई एडवांस जिसको हम लोग बोलते हैं, और नीट का भी रिजल्ट 3-4 दिन पहले ही आ गया। तो अभी हमारे साथ ये दो बच्चे जो दिख रहे हैं आईटीएन है, और दो बच्चे उधर जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों डॉक्टर हैं। तो आज हम आईटीएन से भी बात करेंगे और डॉक्टर से भी बात करेंगे। आप लोग को जैसे कि पता है ये सब हमारे देश के फ्यूचर है, भविष्य है, क्योंकि इसी के वजह से हमारा देश आज हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सब आईटीएन का देन है। आपका? अनिश कुमार हुआ। आईटीएन अनिश अभी हमारे साथ बैठे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजू कुमार। राजू, राजू आईटीएन। देखिए ये दोनों आईटीएन है, वो दोनों डॉक्टर है, उनसे भी बात करेंगे। पहले दोनों आईटीएन से बात करते हैं। तो कैसा लग रहा आज? बहुत मजा। आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज जो आप सफलता पाए, सबसे बड़ा रोल किसका रहा आपके सफलता में? रोल तो मम्मी पापा का और टीचर्स का है। अच्छा, आप पे? पापा का और टीचर का रहा है। अच्छा, पापा का और टीचर का रहा। तो बेसिकली आप जब इस कोचिंग को ज्वाइन कर रहे थे ट्राइबेक ब्लू को, तभी आप सोचे हमें आईआईटी कॉलेज जाना है, और उसके बाद जो यहाँ का जर्नी रहा कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो सब मतलब आईआईटी के सपने लेके ही आते हैं। बिल्कुल, हम भी उसी के साथ आए थे, लेकिन लास्ट ईयर नहीं हो पाया। अच्छा। तो सोचे थे थोड़ा सा जो अपने अंदर कमी रह गया उसको फिर से करना। अच्छा। तो इस बार हो गया तो बहुत अच्छा। ये आपका ड्रॉप ईयर था। आप कब सोचे थे कि मुझे आईटीएन बनना है? टेंथ के बाद ही सोचे। अच्छा, टेंथ के बाद ही सोचे थे कि मुझे आईटीएन बनना है। कहाँ, किन से इंस्पायरेशन मिला था, किसको देखे थे, या खुद आईटी के बारे में कैसे जाने थे फर्स्ट टाइम? खुद ही मतलब गाँव इलाके में इतना मतलब आईटी के बारे में या फिर मतलब इंजीनियरिंग को कोई उतना जानता नहीं है। जानता नहीं है तो टेंथ के बाद ऑप्शन नहीं था मतलब करना क्या है, तो यहीं सर्च करते करते पता चला कि आईआईटी भी होता। अच्छा। तो वहाँ से मोटिवेशन, लाइफ स्टाइल देखे जब आईटीएन का, तो वहाँ से मोटिवेशन। आईटीएन का लाइफ स्टाइल देखे, किसको किसको फॉलो करते थे अपने लाइफ? अमन धतरवाल है। अच्छा, उनको देख के मोटिवेशन आता। अच्छा, उनको देख के मोटिवेशन आता था। तो आज कैसा लग रहा? आज तो आप वो मुकाम हासिल कर लिए जिसके लिए आप टेंथ में सोचे थे, आज आपका एक ड्रॉप हो गया, आज वो मुकाम हासिल कर लिए। ये बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आईटी के बारे में कैसे जाने? फर्स्ट टाइम जब जिस स्कूल में हमने पढ़ाई की टेंथ का, वहाँ के भैया थे, खुद आईटीएन थे, तो उन्हीं से इंस्पायर हुए थे। अच्छा, भैया आईटीएन थे, क्या नाम है उनका? आकाश आनंद। अच्छा, तो आज कैसा लग रहा? आप टेंथ में वो भैया को देखे थे आईटीएन, आज आप खुद एक आईटीएन है, आज कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत खुश हैं सारे लोग, मेरे पेरेंट्स भी, टीचर भी, सारे लोग बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। अच्छा, ट्राइबेक ब्लू के बारे में कब सुने थे? ट्राइबेक ब्लू के बारे में हम जब टेंथ के बाद सर्च किया और मेरे सीनियर भैया से कॉल किए तो उन्होंने बताया कि ट्राइबेक ब्लू में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ और सही रहेगा, तो हमने आ गया। कैसा लगा यहाँ जब भैया ने बताए और आप आए, तो कैसा रहा? अच्छा रहा, दो साल का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, सारे टीचर भी बहुत सपोर्ट किए, और मेरे स्टूडेंट भी जो क्लासमेट थे वो भी सारे अच्छे थे। अच्छा। सारे सपोर्टिव थे। मतलब यदि आईटीएन बनना चाह रहे हैं, जैसे कि भाई साहब मेरे बता रहे हैं कि उस दौरान में जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो आप अपने टीचर से मिलिए, या आपका कोई इंस्पायरेशन है जिनसे, कोई वो भी आईटीएन है तो उनसे मिलिए, उस टाइम आपको मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि सबके साथ ये होता। आपके साथ कब हुआ था ऐसा? जब हमने टेस्ट देते थे तो कम मार्क्स आते थे तो डिमोटिवेट हो जाते थे। अच्छा। तो हमने अमित सर से आके बात करता था तो उन्होंने मोटिवेट करते थे हमेशा। अच्छा। रेगुलर क्या बोलते थे? बेटा हारना, हार नहीं मानना। हाँ, ये सब नॉर्मल है, टेस्ट वगैरह तो नॉर्मल है। अच्छा। मेन जेई मेंस और एडवांस है, वहाँ देखना है, वहाँ फोड़ना है। अच्छा। तो क्या आप लोग का किसी अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन था किसी के साथ?
वो तो देख के होता ही, लेकिन होता था देख के। अच्छा कोई फ्रेंड थी? नहीं कोई। अरे बता दो, कोई बात नहीं, काट देंगे क्लिप को। देखिए स्माइल कहीं कहीं बता रहा है कि बता दीजिए काट देंगे। कोई फ्रेंड्स अपने? आपकी? नहीं कोई नहीं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निकी कुमार है। आपका क्या नाम हुआ? रत्नेश कुमार। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? डॉक्टर, समझ रहे हैं, सबका ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, आज आप लोग वो बन गए, कैसा लग रहा है? वही अच्छा फील हो रहा है बस। अच्छा कुछ कमी है, मतलब हम जो ड्रीम कॉलेज जाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अच्छा भाई देखिए, डॉक्टर बन गए लेकिन ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया, तो थोड़ी सी कमी दिख रही है ना। हाँ आपका? मेरा भी वही है, जो कॉलेज खोज रहे थे वो कॉलेज तो इस ईयर नहीं मिल पाएगा। अच्छा ड्रॉप भी ले सकते हैं? यस ड्रॉप भी ले सकते हैं। हाँ हम कॉलेज लेकर ड्रॉप लेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, हम जितना अनुभव किए हैं अपने लाइफ में, हम भी मेडिकल का तैयारी किया, आज बता देते हैं बातचीत में, लेकिन हम ये सुने हैं कि यदि आपको कोई MBBS कॉलेज मिल रहा तो हमें चले जाना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि आगे हमको PG करना है, क्योंकि जब तक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो हमारे अनुसार से मूव करना चाहिए आगे आप लोग की थिंकिंग। चलिए और ही बात करते हैं, ट्राइबेक ब्लू में आप कब ज्वाइन किए थे? ट्राइबेक ब्लू में हम 2021 में ज्वाइन किए थे। अच्छा आप कब ज्वाइन किए थे? हम 2021 में। कैसा जर्नी रहा ट्राइबेक? हम काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा रहा। आपका? जर्नी ठीक ही था, इसमें बहुत सारी रुकावटें भी आए, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हुआ। अच्छा हम टेंथ तो हम हिंदी मीडियम से किए हुए थे। अच्छा। तो स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया तो 4-5 महीने इंग्लिश समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। अच्छा तो उसको लेकर थोड़ी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में बहुत। अच्छा हिंदी इंग्लिश समझने में होती थी, कैसा हेल्प किया आपको ट्राइबेक ब्लू इस सिचुएशन में? ट्राइबेक ब्लू पूरा सपोर्टिव रहे उस टाइम के, उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सर ने पूरा मोटिवेट करते रहे थे लगातार। अच्छा और जब जब हमें ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम सर हमारी हेल्प करते थे। अच्छा कितना देर आप रील स्क्रॉल करते हैं? इंस्टाग्राम ये सब वगैरह से तो हम दूर ही रहे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया से लगाव थोड़ा कम है। अच्छा सोशल मीडिया। आपका? हम फ़ोन यूज नहीं करते थे। फ़ोन यूज नहीं करते थे, मतलब 2 साल फ़ोन यूज नहीं किए? नहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा, सच में। टेंथ के पहले यूज करते, टेंथ के बाद कभी नहीं फोन यूज किए। अच्छा टेंथ के बाद आप फोन यूज नहीं किए? अच्छा एक महीना पहले से फिर यूज करना स्टार्ट किए। अच्छा देखिए आपको भी कहीं ना कहीं अपने माइंड में बनाना पड़ेगा, यदि मुझे डॉक्टर बनना है तो सोशल मीडिया से दूर होना है, स्मार्टफोन से भी दूर होना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने में उदाहरण है, कहीं ना ये लोग त्याग किया है तो आज डॉक्टर बन रहे हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे उनको जो एस्पायरेंट है उनको? अगर फोन यूज करते हैं तो कुछ अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुछ बुरे के लिए। अच्छा फोन यूज भी करते हैं तो अच्छे के लिए यूज। ये हमारे साथ IT दो ITN थे और 2 डॉक्टर थे, बहुत अच्छा लगा इन लोग से बात करके। देखिए सारे के चेहरे पे स्माइल दिख रहे होंगे क्योंकि आज वो मुकाम ये लोग हासिल कर लिए जिसके लिए ये लोग बने थे और जिसके लिए ये लोग सोचे थे, तो बहुत अच्छा लगा हमको बात करके। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।